जब 2014 में मैंने इन कॉइल्स देखा और इन कॉइल्स की कैपेसिटी देखी, कैपेबिलिटी देखी, उसका जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देखा, उसका जब समझने की कोशिश की तो ध्यान में आया कि यानी ज़ीरो से हीरो बनने की जो यात्रा है इन कॉइल्स की, और कैसे जो है इन कॉइल्स जो है वो वर्ल्ड का एक प्रकार से नंबर वन अर्ली सुनामी वार्निंग डिलीवरी करने वाला सिस्टम बन गया। उसके बाद भी और कई सारे एप्लीकेशंस इन कॉइल्स में हुए हैं, खासकर ओशन के संदर्भ में तो जिस प्रकार के काम हुए हैं कि ओशन के जो बारे में फोरकास्ट इत्यादि होते हैं, और खासकर जो अभी आने वाले समय के लिए जो ब्लू इकोनॉमी की जो बातें हो रही हैं, हमारे डीप ओशन मिशन की जो बातें हो रही हैं, ओशन के अंदर जो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी उसके ऊपर रिसर्च की जो बातें चल रही हैं और जो काम हो रहा है, जो उसको वाटर और फूड के सोर्स के लिए पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स और मिनरल्स और इनके एक रिच सोर्स के लिए, और फिर खासकर जो हम फैसिलिटीज़ अपने फिशरमैन को दे रहे हैं, खासकर उनको पोटेंशियल फिशिंग जोन्स बताने के लिए सारी जानकारियां, जो ये सारी रिसर्च को ऑब्जर्वेशंस को करना, ये तो कंप्यूटर ऑब्जर्वेशन कर लेगा, तस्वीर खींच लेगा, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है, जो साइंटिस्ट का ब्रेन है, वो उस ऑब्जर्वेशन को कन्वर्ट करेगा ऐसे डाटा में जिस डाटा को समझ कर, पढ़ कर, और वो आम आदमी उसका लाभ उठा सकता है। और उसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण जो है वो हमारे मछुआरे हैं, जो लाखों की तादाद में मछुआरों को जो ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं करके हम जानकारियां प्रोवाइड करते हैं।